सोलर ड्रायर जो रहता है वो सन से एनर्जी को रिसीव करके क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से मॉइस्चर को रिमूव करता है उसको ड्राई करता है सोलर ड्रायर का यूज़ यूजुअली डोमेस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है सोलर ड्रायर मेनली थ्री टाइप्स का आता है ओपन सन ड्रायर डायरेक्ट सन ड्रायर एंड इनडायरेक्ट सन ड्रायर ओपन ड्रायर में जो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स रहता है वो ओपनली सोलर रेडिएशन के कांटेक्ट में रहता है जिससे वो ड्राई हो जाता है डायरेक्ट सोलर ड्रायर एंड इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर को हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझेंगे डायरेक्ट सोलर ड्रायर डायरेक्ट सोलर ड्रायर डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर कंसिस्ट होता है इसके लिए एक बॉक्स का रिक्वायरमेंट होता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है इस बॉक्स को बनाने के लिए सीमेंट ब्रिक्स कैल्बनाइज आयरन एंड प्लाईवुड का यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी चिप होता है एंड इज़ली अवेलेबल होता है इनर पोर्शन पर हीटिंग एलिमेंट के ऊपर ब्लैक मटेरियल से कोटिंग किया हुआ रहता है टू एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम सोलर रेडिएशन। एंड बॉक्स का आउटर फ्रेम जो रहता है वो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाया जाता है ऐसा करने से बॉक्स के अंदर हीट मेंटेन रहता है वो वेस्ट नहीं होता है इसलिए हम लोग हीट इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं लाइक फायर ब्रिक्स इस बॉक्स को ट्रांसपेरेंट ग्लास से कवर कर देते हैं जब सोलर रेडिएशन इंसिडेंट करेगी तो जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगा बॉक्स के लोअर एंड अपर पोर्शन पर स्मॉल स्पेस छोड़ा जाता है जिसके थ्रू एयर फ्लो करता है फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्लास को ओपन करते हैं एंड जिस मटेरियल को ड्राई करना है लाइक क्रॉप्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उसको कट करके इस पोर्शन पर रख देते हैं एंड रूफ़ ग्लास को क्लोज कर देते हैं जब सोलर रेडिएशन ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू इस ब्लैक मटेरियल पर इंसिडेंट करती है तो हीटिंग एलिमेंट रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड उस हीट के कारण जो वेजिटेबल है उसका मॉइस्चर रिमूव होने लगता है एंड जो वेपर ड्रॉपलेट्स रहता है वो रूफ ग्लास पर एक्यूमलेट होता है एज़ वेल एज़ लोअर पोर्सन से कोल्ड एयर इस चैम्बर में इंटर करता है एंड इस बॉक्स में आता है तो हाई टेम्परेचर के कारण जो एयर है वो भी हीट हो जाता है एंड उस हीटेड एयर के कारण जो प्लेस्ड प्रोडक्ट है वो और भी रैपिडली ड्राई होने लगता है एंड हीटेड एयर रूप क्लास से होते हुए बाहर निकल जाता है हॉट एयर के साथ ही वेपराइज ड्रॉपलेट भी रिमूव हो जाता है एंड जो प्लेस्ट वेजिटेबल है वो ड्राई हो जाता है इसका नेक्स्ट टाइप है इनडायरेक्ट सोलर ड्राइंग सिस्टम इसमें बॉक्स को बनाने के लिए सेम मटेरियल का यूज किया जाता है पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है इसमें सेपरेट सोलर एयर हीटर का यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज सोलर कलेक्टर यहाँ पे बॉक्स है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को ड्राई करने के लिए रखते हैं एंड दिस इज हॉट एयर आउटलेट होल फ्रॉम वेयर हॉट एयर विल एग्जिट एंड दिस इज़ सोलर कलेक्टर जहाँ पर हीटिंग एलिमेंट के ऊपर ब्लैक मटेरियल का कोटिंग किया हुआ है जब सोलर रेडिएशन इंसिडेंट करती है तो हीटिंग एलिमेंट रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड जब कोल्ड एयर इस हीटिंग चेम्बर में इंटर करता है तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एयर हीट हो जाता है एंड हॉट एयर इस बॉक्स में जाता है जहाँ पे ड्राई होने के लिए फूटिंग मटेरियल रखा हुआ है तो जो हॉट एयर है वो इन मटेरियल से मॉइस्चर को रिमूव करके उसको ड्राई करता है एंड अपर पोर्शन में अवेलेबल स्पेस से बाहर निकल जाता है इस तरह से सोलर ड्राइंग सिस्टम जो है वो वर्क करता है देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ सोलर ड्राइंग सिस्टम इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है एंड रेगुलर मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसको ऑपरेट होने के लिए फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है ये रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है जो कि सोलर रेडिएशन से ऑपरेट होता है इस डिवाइस के यूज करने पर किसी टाइप का पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है सोलर ड्रायर लेस एक्सपेंसिव होता है सो इसको हम लोग इजीली इंस्टॉल करा सकते हैं सोलर ड्रायर का एफ़ीसेंसी काफ़ी अच्छा होता है एंड एक्सटर्नल फैन के हेल्प से अगर एयर को हम लोग फ्लो कराते हैं तो इसका एफिशिएंसी और भी ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाता है इसके हेल्प से हम लोग डिफरेंट फूडिंग मटेरियल्स को ड्राई कर सकते हैं इसका जो बॉक्स रहता है वो कम्प्लीटली कवर्ड रहता है तो जो फूडिंग मटेरियल है उसका वेस्ट होने का चांस बहुत कम रहता है एंड डिसएडवाटेज़ को अगर हम लोग देखें तो इसके ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है फूड को अगर ड्राई करने के लिए इसमें हम लोग प्लेस्ट करते हैं तो वो सन रेडिएशन के इंटेंसिटी पे डिपेंड रहता है कितना ज़्यादा सोलर रेडिएशन इंसिडेंट कर रही है तो वहाँ पे ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है सोलर ड्राइंग सिस्टम वेदर के कंडीशन पे डिपेंड रहता है तो रेनी सीजन में हम लोग इसका प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते हैं इसके बॉक्स में प्लेस्ट फूडिंग मटेरियल जो है वो यू रेज के कारण डैमेज हो सकता है सोलर ड्रायर का यूज़ डिफरेंट अप्लीकेशन में किया जा सकता है सचैज़ वुड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ फ्रूट्स एंड फूड इंडस्ट्रीज़ एंड इसका यूज़ पर्सनली डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी किया जाता है इसका यूज रेस्टोरेंट एंड होटल्स में किया जाता है सोलर ड्रायर का यूज़ हॉस्पिटल्स में भी किया जाता है सोलर ड्रायर का ज़्यादातर यूज़ रूरल एरिया में किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं रहता है व्हाट इज़ ग्लोबल सोलर रेडिएशन सन रेडिएशन का आउटपुट वेवलेंथ 0.152-4.0 पॉइंट होता है जिसको सोलर एस्पेक्ट्रम बोलते हैं अर्थ पर सन के रेडिएशन मेजरमेंट को ग्लोबल सोलर रेडिएशन बोलते हैं ग्लोबल सोलर रेडिएशन में डायरेक्ट एंड डिफ्यूज बोथ रेडिएशन इंक्लूड रहता है तो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पेज पे विजिट करें वहाँ पे ऑलमोस्ट टॉपिक अपलोडेड है एंड इन अपकमिंग टाइम ऑल टॉपिक्स फ्रॉम ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी विल हैव अपलोडेड सो दैट प्ले कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो वॉच द डिफरेंट वीडियोज एज़ वेल एज शेयर विथ योर क्लासमेट्स तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें